भारतीय वायुसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वायुसेना का AN-32 विमान लापता हो गया है। पहले भी हुआ था ये लापता, और क्या वो वापस मिला, और जानेंगे कि इसके पूरे बारे में। तो आप देखते रहिए पुष्पर न्यूज़। आपको बता दें कि ये वायुसेना जोड़ी काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है कि वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोराहाट से अरुणाचल प्रदेश के लिए उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। विमान जोराहाट के में 12.25 पर उड़ा था। आखिरी बार इसे दोपहर 1 बजे संपर्क हुआ, इसके बाद से इसका संपर्क टूट गया। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक विमान में 8 क्रू मेंबर्स और 5 यात्री सवार थे। विमान को खोजने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल विमान से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स मार्शल के वाइस चीफ राकेश सिंह भदौरिया से बात की है, और वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि लापता विमान की तलाश के लिए कदम उठाए गए हैं, और साथ ही रक्षा मंत्री ने इनके विमान में सवार सभी लोगों की सलामती की प्रार्थना की है। अब आपको बता दे रहे हैं कि 3 साल पहले भी लापता हुआ था AN-32 विमान। तो 2016 में चेन्नई पोर्ट ब्लेयर से AN-32 विमान लापता हो गया। इसमें भारतीय वायुसेना के 12 जवान, 6 क्रू मेंबर्स एंड 1 नौसैनिक और 1 सेना का जवान भी था। एक ही परिवार के 8 सदस्य मौजूद थे। इसकी तलाश में 1 पनडुब्बी, 8 विमान और 13 युद्धपोत लगाए गए। इस विमान का लापता होना एक गुत्थी बन गया था, और आज तक इसका पता नहीं चला। ना ही इसका मलबा मिला और ना ही इसके यात्री मिले। अब जानते हैं पूरे संक्षेप में AN-32 विमान के बारे में। AN-32 विमान का पूरा नाम Antonov-32 है। इसमें से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे होते हैं। यह विमान 55 डिग्री सेल्सियस से अभी से भी अधिक तापमान में टेक ऑफ कर सकता है, और यह 14,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान में पायलट को कोपायलट, गनर, नेविगेटर और इंजीनियर सहित 5 क्रू मेंबर्स जरूर होते हैं। इसमें अधिकतम लोग 50 लोग ही सवार हो सकते हैं। AN-32 भारतीय वायुसेना के मध्यम श्रेणी के विमान के सेवा के लिए रीढ़ की हड्डी है। भारतीय वायुसेना के बड़े कदम इस वक्त करीब 100 AN-32 विमान हैं जो मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं। दुनिया के करीब 240 विमान ऑपरेशनल हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के अलावा श्रीलंका, अंगोला और यूक्रेन की वायुसेना के पास भी ये विमान हैं। तो ये थी पूरी खबर AN-32 विमान के बारे में। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए पुष्पर न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा जानकारी के लिए शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में अपना सजेशन देना मत भूलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।